हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीता टैरो गाइडेंस में। दोस्तों, मैं आपके सामने एक नई पिक का कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ। एंड इस पिक का कार्ड रीडिंग का टॉपिक है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। शादी के बाद आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे आपको ट्रीट करेंगे, उनका बिहेवियर कैसा होगा, ठीक है। तो इस रीडिंग में हम ये देखने वाले हैं। एंड दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितनी रेजोनेट करेगी उतनी रखिएगा और जो नहीं रेजोनेट करेगी उसे जाने दीजिएगा, ओके। आज हमने दो पाइल्स रखे हैं। पहला पाइल है, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से 16 में आती है तो आप पाइल 1 को सिलेक्ट करेंगे। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 के बीच में तो आप पाइल 2 को सिलेक्ट करेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्तों आपकी रीडिंग में। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हेलो पाइल नंबर 1, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 1 से 16 के बीच में, ये आपकी रीडिंग है दोस्तों। एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके वाइफ या हस्बैंड, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपको मैरिज के बाद कैसे ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो ये जनरल रीडिंग है दोस्तों, तो जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखिएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहाँ से आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देख रहे हो ये किसी मंथ किसी ईयर, तभी के लिए वैलिड है। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। मेल फीमेल कोई भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे ट्रीट करेंगे आपको मैरिज के बाद। फर्स्ट कार्ड इज अवेयरनेस, देन वी हैव द क्रिएटर, एंड देन वी हैव एग्जॉस्टन, ठीक है। आपके पर्सन हो सकते हैं एरिज लियो सैजिटेरियस फायर साइन, या फिर आप हो सकते हैं एरिज लियो सैजिटेरियस। सो पाइल नंबर 1, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन होंगे ना, उन्हें पास्ट में, ठीक है, या उनके लाइफ में, कुछ लोगों के लिए पास्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अभी का भी टाइम हो सकता है, आपके फ्यूचर स्पाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। एंड उनके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा टेंशन है, काफ़ी बर्डन है, वर्क का, फैमिली का, या उनका डेली लाइफ का, ठीक है। उनके खुद के पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं जिनके ऊपर वो काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी टेंस्ड है, डिप्रेस्ड है, दुखी है, कह सकते हैं। लाइफ का जो रियल सेंस में फील करना होता है ना लाइफ को, वो अभी वो फील नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग टेंशन के ऊपर, नेगेटिव पैटर्न के ऊपर में फोकस्ड है, ठीक है ना। क्योंकि उनके लाइफ में हार्ड टाइम चल रहा है, उनका डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रहा है, ये भी हम कह सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ऐसा हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए साइकोलॉजिकल उन्हें डिफ़िकल्टी होती हो, इमोशनल बैलेंस करने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है वर्क को लेकर, वर्क में काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने करियर में, ठीक है। उनके फाइनेंसेस अच्छे नहीं है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी दिख रहा है। एंड ये पर्सन उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन का ऐसा सिचुएशन काफ़ी पहले रहा हो, एंड ये उससे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये कुछ लोगों के लिए ये पर्सन अभी इस तरह के सिचुएशन से गुजर रहे हैं, तो आने वाले टाइम में ये पर्सन अपने ऊपर, अपने सिचुएशन के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जिस भी सिचुएशन में वो स्ट्रक है, फंसे हुए हैं, परेशान है, उससे वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। वी हैव द चैरियट कार्ड, ठीक है। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, यहाँ से फायर साइन की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, इज लियो सैजिटेरियस, ठीक है। डेफिनेटली ये पर्सन अपने ऊपर वर्क करेंगे एंड अपने अंदर जो भी कमी है उसे वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब्स आ रही है। ये पर्सन गॉड से कनेक्टेड होंगे, प्रेयर्स करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है दोस्तों, ठीक है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में एंड वो आपको कैसे ट्रीट करेंगे मैरिज के बाद बाद में, ठीक है। हाउ विल दे ट्रीट यू आफ्टर योर मैरिज, प्लीज एंजल्स हेल्प। अबंडेंस, ओके। सो दोस्तों, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन ना अपने फाइनेंसेस के ऊपर में वर्क कर रहे हैं, इनके पास फाइनेंसेस ख़राब है इनके, क्या ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपने बिजनेस में, अपने कैरियर में, ठीक है। तो इस पर्सन के लाइफ में, ठीक है ना, अबंडेंस आएगी एंड ये उसी के लिए काफ़ी टेंस्ड है एंड ये उसके ऊपर वर्क भी कर रहे हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ खोज रहे हैं, ठीक है। अपने स्किल्स को सही कर रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, एंड अपने हार्डवर्क भी कर रहे हैं ताकि इनके लाइफ में अबंडेंस आए, ठीक है। इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड है।
ग्रैटिट्यूड। मैं आपको बता रही थी कि ये पर्सन काफ़ी प्रेयर करने वाले होंगे, ठीक है, गॉड से कनेक्टेड रहते होंगे। एंड यहाँ पे ये कार्ड भी आया, ये लेडी हैं जो कि प्रे कर रही है, तो आपके पर्सन भी इस तरह के होंगे। पर्सन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, मेडिटेशन करते हो, टैरो रीडिंग देखते हो जैसे आप देख रहे हो, तो इस पर्सन का ऐसा नेचर होगा, ये पर्सन स्पिरिचुअल होंगे। आप इस दोनों कार्ड को कंपेयर करके देख सकते हैं। यहाँ पे भी ये पर्सन, ये दोनों पर्सन सेम तरह के पोजीशन में बैठे हुए हैं, जैसे कि ये प्रे कर रहे हैं गॉड से, ठीक है, या मेडिटेशन कर रहे हो या ध्यान कर रहे हो, तो आपके पर्सन इस तरह के होंगे नेचर में, काफ़ी स्पिरिचुअल वाइब्स, स्पिरिचुअलिटी में वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहते होंगे, मुझे ये चीज़ फील हो रही है। सो हाउ विल योर पर्सन ट्रीट यू आफ्टर मैरिज, ये पर्सन आपको मैरिज के बाद कैसे ट्रीट करेंगे। री एनर्जाइज, ठीक है, तो आप दोनों ही, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है कि आप दोनों की एनर्जी रिन्यू होगी, ठीक है। पहला तो यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड है, काफ़ी थकावट, एग्जॉशन, थके हुए या अपनी एनर्जी लूज़ कर दी हो, एंड यहाँ पे आया री एनर्जाइज का कार्ड, ठीक है। तो आपकी भी ऐसी सिचुएशन होगी कि मैरिज से पहले आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में रहते होंगे, आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी, या आप जहाँ भी हाथ डालते होंगे, जो भी एफर्ट्स डालते होंगे, उसके रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के मैरिज के बाद, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको सपोर्ट करेंगे या फिर अपने वर्ड्स से आपको हील करेंगे और आपको रास्ता दिखाएंगे, जिससे कि आपको काफ़ी री एनर्जाइज फील होगा, जैसे आप में कोई नई एनर्जी आ गई है। We will take one more from this deck. How will your future spouse treat you after marriage? Please angels help me and guide. Turn away. So those तो यहाँ पे जो तो कार्ड से री एनर्जाइज एंड टर्न अवे, तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे ना, वो आपको हेल्प करेंगे। हो सकता है आपका ऐसा नेचर हो कि आप सभी सिचुएशंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे चैरियट का भी कार्ड है, तो आपके लाइफ में जो भी मुसीबत आती है, वो आप चाहते कि उसका रिजल्ट मेरे अकॉर्डिंग आए, ठीक है। आप जैसा चाहते हैं आपकी लाइफ में वैसा हो आप सोचते हैं, ठीक है। तो आपके पर्सन आपको रिलैक्स होना सिखाएंगे, ठीक है, मैरिज के बाद आप काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स होना सीखोगे, एंड आपके पर्सन ये भी सिखाएंगे कि जो चीज़ें जैसे चल रही है वैसा होने दो, एंड कभी कभी उसे छोड़ दो, ठीक है, उसे छोड़ दो, एंड जैसा वो होना होगा, उसका जो रिजल्ट आना है वो आएगा, ठीक है। चीज़ों से थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक लेना, ये आपको आपके पर्सन सिखाएंगे। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि काफ़ी ज़्यादा अपनी एफर्ट्स को डालते हो, जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को डालते हो, एंड जिसकी वजह से आप समय से पहले ही अपने आप को थका हुआ महसूस करते हो। जहाँ एफर्ट्स डालने थे वहाँ एफर्ट कम चले गए, और जहाँ नहीं डालना था वहाँ ज़्यादा चला गया, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है। सो आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपको री एनर्जाइज करने में, अपने एनर्जी को सही तरह से यूटिलाइज करने में आपको मदद करेंगे, ठीक है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं। How will your future spouse treat you after marriage? Uranus, your potential for sudden change, enlightenment and awakening. So, आपके life में marriage के बाद काफ़ी ज़्यादा एक अचानक से change आएगी। हो सकता है ये person और आप में कुछ cultural difference हो, ठीक है, and बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि ये इस person के द्वारा आपके अंदर एक enlightenment और awakening आएगी, ठीक है। जैसा कि आपका एक थिंकिंग है, आप जैसे टेंशन लेते हो, जैसे रिलैक्स नहीं कर पाते, तो ये पर्सन आपके अंदर एक इलाइटमेंट और चेंज लेके आएंगे, जो कि काफ़ी सडन होगा, यूरेनस की एनर्जी। वीनस, द पार्ट ऑफ यू द डिज़ायर्स ब्यूटी सक्सेस इंटेलिजेंस एंड वैल्यूएबल। सो विद द वीनस एनर्जी, वीनस यहाँ पे प्लैनेट कार्ड है, तो आपकी ब्यूटी को आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे, एंड आपको सक्सेस में, आपकी सक्सेस में भी ये पर्सन आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है, लाइक आपके करियर में। अगर आप करियर को लेके काफ़ी ज़्यादा टेंस रहते हो, तो ये पर्सन आपकी करियर में भी हेल्प करेंगे, एंड ये पर्सन आपकी ब्यूटी को काफ़ी एडमायर करेंगे, आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके लुक्स। हो सकता है आप अपने आप को फिजिकली सोचते हो मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, अट्रैक्टिव नहीं हूँ, तो ये पर्सन आपकी ब्यूटी को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे, लाइक अ गॉडेस, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, गॉडेस और गॉड, आप मेल फीमेल कोई भी हो, आपकी ब्यूटी को ये एडमायर करेंगे। एंड द सेकेंड हाउस, योर असेट, फाइनेंसेस एंड थिंग्स दैट यू वैल्यू। एंड मैरिज के बाद दोस्तों आपको फाइनेंसेस की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि आपको अपने करियर और फाइनेंसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन होती है, तो ये आपके पर्सन आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देंगे, ठीक है, एंड
हो सकता है आपकी पर्सन एक ऐसे घर से हो, एक ऐसे फैमिली से हो, या फिर उनका ऐसा पोजीशन हो जिन जिन से कि ठीक है ना, उनके लाइफ में अबंडेंस होगी, या फिर अभी नहीं है तो मैरिज के बाद हो जाएगी। अबंडेंस है यहाँ पे, एंड यहाँ पे आया है मनी एंड कार। तो मनी एंड लग्जरी होगी आपके पर्सन के पास, मटेरियल अबंडेंस होगी। वी हैव अबंडेंस का कार्ड, आपके पर्सन अभी करेंटली वर्क भी कर रहे हैं उसके ऊपर, तो आपको मैरिज के बाद इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर मेल भी हो फीमेल भी हो, ये मैसेज रेजोनेट करेगी आपके साथ। चलिए दोस्तों, और भी कार्ड्स लेते हैं एंड पता लगाते हैं हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। वी हैव द टावर कार्ड। द हर्मिट। सो कहीं ना कहीं तो मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कि ये पर्सन ना एक सेंट की तरह होंगे, साधु, ठीक है। या तो मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हो, या तो खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, ज्योतिष हो, या ज्योतिष विद्या में काफ़ी इंटरेस्ट हो, ठीक है। एंड ये पर्सन अपनी गलतियों पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एंड विद द हर्मिट कार्ड आप दोनों ही मैरिज के बाद एक दूसरे को सिखाएंगे लेसन्स, एंड आप दोनों अपने लाइफ में जो भी आपकी पर्सनैलिटी में कमी है, आपकी एनर्जी में कमी है, तो आप दोनों ही उस चीज़ पे वर्क करेंगे, ठीक है। हो सकता है आप दोनों ही काफ़ी, आप दोनों का डिफ़िकल्ट या हम कह सकते हैं बहुत ही स्ट्रगलिंग लाइफ रहा हो मैरिज से पहले, अपने करियर के लिए काफ़ी वर्क किया हो, काफ़ी स्ट्रगल किया हो, आपके एफर्ट्स के रिजल्ट नहीं आते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपकी फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती थी आपके करियर में, आप एक क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते थे, ये स्पाउस की आपकी ऐसी कहानी हो सकती है। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपके मैरिज के बाद आपको इंट्रोस्पेक्ट करने में, खुद को लर्न करने में, या फिर खुद से खुद को कुछ सिखाने में हेल्प करेगी। आई कैन सी दैट। आप दोनों का जो लाइफ होगा बिफोर मैरिज वो काफ़ी स्ट्रगलिंग रहा होगा, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स वी हैव द हैंग्ड मैन। थ्री ऑफ कप्स। सो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे विद द हर्मिट कार्ड एंड विद द हैंगमैन कार्ड ये भी दिख रहा है कि आप, हो सकता है आपको अपने लाइफ में जब भी पर्सनल स्पेस या पर्सनल एक टाइम की ज़रूरत होगी, तो ये पर्सन आपको वो चीज़ ग्रांट करेंगे, आपको देंगे, ठीक है ना। एंड आप भी आपके पर्सन की पर्सनल स्पेस, पर्सनल जो भी आपकी जो पर्सनल फीलिंग्स है, प्रॉब्लम्स है, उसकी उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। आप दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ हो सकता है आपको इस रिलेशनशिप में एडजस्ट करने में टाइम लगे, तो उस चीज़ का भी टाइम आपके पर्सन आपको देंगे, फोर्स नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, एंड सेक्रीफाइस करते हुए भी दिख रहे हैं, ओके। एंड मुझे इस पाइल से वाइब भी आ रही है कि आपकी मटेरियल लाइफ में अबंडेंस होगी, लाइक एक सपोर्ट भी दिख रहा है एंड फाइनेंशियल अबंडेंस भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे अबंडेंस का भी कार्ड है। एंड आपके पर्सन आपको फिजिकली, आपके लुक्स, आपके क्वालिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा एडमायर करेंगे विद द वीनस कार्ड, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट लेडी या फिर एक इंडिपेंडेंट जेंटलमैन आपको आपके पर्सन फ्यूचर स्पाउस समझेंगे, एंड उतनी रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ठीक है। विद एंड आपकी फैमिली को भी आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा, आपके फ्रेंड ग्रुप को एडमायर करेंगे एंड उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप दोनों काफ़ी एक दूसरे के फ्रेंड ग्रुप में भी घूमने जाओगे, आपके फ्यूचर स्पाउस के फ्रेंड आपके फ्रेंड बनेंगे, एंड आपके जो फ्रेंड ग्रुप है आपके फ्यूचर स्पाउस के भी फ्रेंड ग्रुप बनेंगे। हो सकता है ये आपके पर्सन आपके फ्रेंड ग्रुप में हो, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी वाइब्स आ रही है, ओके। तो चलिए दोस्तों, और कार्ड्स लेते हैं एंड पता लगाएं आपका, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे आफ्टर मैरिज। सैडनेस एंड आइसोलेशन। ओके प्लीज इंसल्ट टीच विद द हायरोफंट कार्ड। टेक द लीड। एंड बैलेंस 14 नंबर कार्ड, वेरी ब्यूटीफुल। सो यहाँ पे आया दोस्तों सैडनेस एंड आइसोलेशन का कार्ड। टेक द लीड एंड बैलेंस, जो कि टेम्परेंस का कार्ड है, ठीक है, इन द राइडर वेट। सो दोस्तों, एंड विद द हर्मिट कार्ड एंड साइडनेस एंड आइसोलेशन, ठीक है।
तो हो सकता है मैरिज के बाद आपके पर्सन के साथ, ठीक है, मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप में एडजस्टमेंट में टाइम लगेगी या फिर आपके पर्सन इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे। हो सकता है कुछ टाइम आपको आपके पर्सन को समझने में प्रॉब्लम हो एंड इस वजह से आप में एक सैडनेस एंड आइसोलेशन होगी। हो सकता है आपके पर्सन और आपका कल्चर डिफरेंट हो, कास्ट डिफरेंस हो, या बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज मैरिज हो सकती है। तो हो सकता है आप मैरिज किसी और से करना चाहते हो, आपके पेरेंट्स ने इनसे शादी करवा दी, कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं। तो स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ तो डिफिकल्टी आएगी इस पर्सन से आपको समझने में, या फिर आपको एक डिज़ायर रहेगा कि मेरी शादी कहीं और होनी चाहिए थी, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है। इस वजह से आप में एक सैडनेस और आइसोलेशन रहेगा, ठीक है, कुछ टाइम तक, हमेशा नहीं। विद द टीच कार्ड ये पर्सन आपको लेके काफ़ी लॉयल होंगे। यहाँ पे एक डॉग है जो कि एक लॉयल्टी का सिंबल है, ठीक है, एंड आपकी फैमिली अच्छी होगी उसमें, आपकी फ्यूचर स्पाउस के 3 भाई बहन हो सकते हैं, ठीक है, एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी फैमिली को भी रिस्पेक्ट करते होंगे एंड आपको भी काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। काफ़ी ट्रेडिशनल फैमिली हो सकती है आपकी एंड आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करेगी, इन लॉज, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रहा है। ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बाहर वर्क करते हो एंड आपको बहुत सारा टाइम आपके अपनी फैमिली के साथ बिताना होगा, ठीक है, एंड उस टाइम पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा सैडनेस एंड आइसोलेशन होगी कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपके साथ नहीं है, वो बाहर वर्क करने के लिए गए हैं या काफ़ी ट्रैवल करते हो वर्क के लिए। चैरियट का भी कार्ड आया, टेक द लीड, एंड आपके पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है ना। विद द बैलेंस कार्ड आपको अपने इक्वल एंड आप अपने पर्सन को इक्वल समझोगे, कहीं भी रिस्पेक्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की कमी नहीं होगी एंड लॉयलिटी की भी कमी नहीं होगी एंड लव की भी कमी नहीं होगी, बैलेंस होगा आपके पूरे के पूरे लाइफ में एंड आपकी अपने फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पर्सन एक लीडर की तरह आपको समझेंगे, ठीक है, जैसे आपको समझेंगे कि आप में सारी क्वालिटीज़ है कि आप सारा काम कर सकते हो, आपकी ब्यूटी, आपके टैलेंट, सभी चीज़ को एडमायर करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है दोस्तों, ठीक है, आपको काफ़ी एडमिरेशन रिस्पेक्ट मिलेगा पर्सन के साथ, बैलेंस होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों और भी कार्ड्स लेते हैं, पता लगाते हैं कि आपकी फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे मैरिज के बाद। सो बैलेंस काफ़ी रहेगा, काफ़ी रिस्पेक्ट करेंगे आपके पर्सन एंड अगर आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मेरे फ्यूचर स्पाउस मुझे ये सभी चीज़ें ला के दे, मुझे एक सिक्योरिटी मिले फाइनेंशियली मेटेरियलिस्टिक, तो आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली आपको काफ़ी कुछ ला के देंगे एंड उसके लिए वो बहुत हार्डवर्क भी करेंगे, सेक्रीफाइस करेंगे आपके लिए, मुझे ये चीज़ दिख रही है। ओके, स्टार्टिंग में बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है, लाइक आपको समझने में दिक्कत हो या आपकी एक्सपेक्टेशन हो कि आपके फ्यूचर स्पाउस कोई और होते क्योंकि आपकी अरेंज मैरिज करा दी गई हो, ठीक है, आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में, तो जिनके साथ रेजोनेट कर रही है, तो ये होगा कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अकेलापन महसूस हो सकता है या दुख होगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। स्टॉर्म वार्निंग, ओके, सो मैं आपको बता रही थी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगा मैरिज में, तो आपको टेंशन नहीं लेना, देर विल बी सम डिफिकल्टीज, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम, बैलेंस बनाने की प्रॉब्लम, या आपकी एक्सपेक्टेशन हो सकती है कि मेरी शादी कहीं और होनी चाहिए थी, शायद आप किसी और को लाइक करते हो, तो ठीक है, तो बट डेफिनेटली ये पर्सन आपके लिए परफेक्ट है। विद द हायरोफंट कार्ड काफ़ी ये पर्सन लॉयल होंगे, एक परफेक्ट मैरिज मटेरियल है, ठीक है। घर को संभालना, फैमिली को संभालना, फैमिली को कैसे प्रोवाइड करना है, क्या चीज़ें हैं जो फैमिली को सही तरीके से चला सकती है, आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे से पता होगा। थिंकिंग मैन, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन होंगे, अच्छे घर से हो सकते हैं, लग्जरियस लाइफ जीते हो खुद, ठीक है, एंड हार्डवर्क भी करते हो एंड काफ़ी सोचने विचारने वाले होंगे, मेडिटेशन करते हो, स्पिरिचुअल फिट रहना पसंद हो, आउटर लुक्स काफ़ी अच्छे होंगे आपके पर्सन के, ठीक है, मुझे ये चीज़ दिख रही है। एंड विद द थिंकिंग मैन कार्ड आप को काफ़ी इंपॉर्टेंस देंगे, आपके बारे में काफ़ी सोचेंगे, आप इनको अगर कुछ कह देते हो तो ये आपके पर्सन आपके बारे में सोचेंगे, लाइक आपको मनाना कैसे है, आपने ऐसा उनके बारे में क्यों कह दिया, ये पर्सन चाहेंगे कि आपकी नज़र में हमेशा अच्छे बन के रहे, ओके, ऑल टाइम। तो ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करते हुए मुझे दिख रहे हैं इस मैरिज में। टेक द लीड का भी कार्ड आया, तो ये पर्सन ना आपको खुश रखने के लिए सारा जो कुछ भी कर सकते हैं वो करेंगे, ठीक है। हो सकता है पास्ट में इनको प्योर लव, कोई पार्टनर ना मिला हो, कोई एक फैमिली नहीं हो इनकी, ठीक है, तो ये पर्सन चाहेंगे कि इनकी फैमिली हो, ठीक है, लाइक किड्स हो, इनकी वाइफ हस्बैंड जो भी हो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, ठीक है, एंड ये पर्सन चाहेंगे कि मेरी भी स्टेबल फैमिली हो और उसको बनाए रखने के लिए पर्सन कुछ भी करेंगे, ठीक है, लाइक सेक्रीफाइसिंग, बहुत सेक्रीफाइस करेंगे ये पर्सन आपके लिए, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है। सिक्स्थ चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन,
अगेन यहाँ पे एक ऐसी वाइब है जो काफ़ी इंट्यूशन को दिखाती है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाती है, एक प्योर एनर्जी को दिखाती है, ठीक है, जिनके मन में छल कपट नहीं है, जो भी करते हैं सच्चे दिल से करते हैं, ऐसा है। एंड ये पर्सन आपको लेके काफ़ी ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील करेंगे, ठीक है। एंड ग्रेटिट्यूड का कार्ड है तो गॉड को थैंक्स भी बोलेंगे एंड आप भी बोलोगे, बट आपको इस चीज़ को समझने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, आई कैन फील दैट। सो चलिए दोस्तों, फाइनली हम कुछ कार्ड्स देखते हैं जो कि आपके लिए एडवाइस कार्ड देख की तरह होगी। एंड एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं आपके मैरिड लाइफ के लिए, आपके फ्यूचर स्पाउस को कैसे ट्रीट करेंगे। इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। सो आपसे कहा जा रहा है दोस्तों कि जब भी आपके मन में नेगेटिविटी आती है, फुल मून इन स्कॉर्पियो, तो नेगेटिविटी को आपको रिलीज करना है इस रिलेशनशिप में खास करके, ठीक है। वी हैव द सैडनेस एंड आइसोलेशन, आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो आपको टाइम देना है, समझना है एंड आपके मन में जो भी नेगेटिविटी आती है उसको रिलीज करना है, काफ़ी पॉजिटिव माइंड लेके चलना है आपको, ऐसा आपको बताया जा रहा है। बिकॉज आपके पर्सन काफ़ी एक अच्छे पार्टनर होंगे, काफ़ी सेक्रीफाइस करने वाले होंगे एंड आपको काफ़ी रिस्पेक्ट भी देंगे। सो आपको उनके लिए कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है, आपकी जो भी डेस्टिनी में वो तो आपको मिलेगा ही डेफिनेटली। योर कमिटमेंट इज़ बींग टेस्टेड, ओके। सो वी हैव फर्स्ट क्वार्टर मून, तो ऐसा हो सकता है कि आपको एंजल्स टेस्ट करें, ठीक है, आपकी कमिटमेंट, आपकी समझ कि रिलेशनशिप को कैसे समझते हैं वो अभी टेस्ट होगी इस रिलेशनशिप में, ठीक है। सो चलिए देखते हैं दोस्तों। सो योर कमिटमेंट इज़ बींग टेस्टेड का कार्ड है यहाँ पे। सो आपकी रिलेशनशिप एंड आपकी रिलेशनशिप को समझने की जो एबिलिटी है वो टेस्ट होगी इस मैरिज में, ओके। सो इस बात का आपको ध्यान रखना है, नेगेटिविटी बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखनी है, जो भी चैलेंजेस आते हैं उसे काफ़ी पॉजिटिविटी एंड खुले दिमाग के साथ उसको डील करना है, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, ठीक है। तो आप अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, ठीक है, न्यू मून इन पाइसेस, बहुत सारे लोग यहाँ पे वाटर साइन के हो सकते हैं, फायर साइन वाटर साइन का आपका कपल हो सकता है, ठीक है। तो आपको आपके लिए एक मेडिटेशन एक इम्पॉर्टेंट टूल हो सकती है, एक इम्पॉर्टेंट रास्ता हो सकता है, प्रैक्टिस हो सकता है, जो इस रिलेशनशिप को और भी बेटर बनाने में आपको हेल्प करेगा। सो आप इस चीज़ को अपने दिमाग में रख सकते हैं, ओके। सो आपके लिए ये मैसेजेस देना चाह रहे हैं एंजल्स। आई होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो दोस्तों, एंड अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के थ्रू मुझे अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। चैनल पे नए थे एंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर दें एंड सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना, बाय एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर। पाइल नंबर टू, जिनकी डेट ऑफ बर्थ आती है 17 से 31 में, दोस्तों ये आपकी रीडिंग है एंड इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू आफ्टर मैरिज, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मैरिज के बाद कैसे ट्रीट करेंगे, आपको कैसे रखेंगे एंड आप दोनों की रिलेशनशिप कैसी रहेगी। सो इन दिस रीडिंग वी विल सी दिस। ये जनरल रीडिंग है दोस्तों, जो रेजोनेट करेगी मैसेज उतनी रखिएगा एंड जो रेजोनेट नहीं करती है उसे जाने दीजिएगा, ओके। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में एंड आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे मैरिज के बाद। हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू आफ्टर मैरिज, पाइल नंबर टू। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी एंड गिव मी मैसेजेस। We have the rebirth. Harmony, wow. 10-10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, आपको दिखता हो 10-10 घड़ी में, कहीं पे भी, गाड़ी पे या जब भी आपको ये एंजेलिक नंबर 10-10 दिखता है एंड हो सकता है आपके लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा हो या आपके फ्यूचर स्पाउस के लाइफ में कोई साइकिल कंप्लीट हो रहा हो एंड आप दोनों मिल सकते हैं तब। एंड ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो, कोई एयर साइन हो एंड आप वाटर साइन हो, मुझे ये चीज़ फील हो रही है, ठीक है। कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो हो आप, आपके सन मून राइजिंग में हो, लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, ओके। वी हैव अलोननेस का कार्ड विच इज़ द हर्मिट कार्ड, सो आपके पर्सन वर्गो हो सकते हैं दोस्तों, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है।
फाइल नंबर टू, सबसे पहले तो मुझे दिख रही है कि ये पर्सन वो हो सकते हैं, ठीक है, जिनके आपकी काफ़ी ज़्यादा झगड़े लड़ाई हो गए हैं, काफ़ी हर्ट किया है आपने इस पर्सन को, एंड इस पर्सन ने आपको, एंड ये पर्सन आपके पास लौट के आ रहे हैं, ठीक है, आप इन्हें दूसरा चांस दे रहे हैं, एंड आपकी रिलेशनशिप वी हैव 9 एंड यहाँ 10 है, तो एक नेक्स्ट लेवल तक जा रही है, एक प्रोग्रेस हो रहा है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है, एक इमेच्योरिटी, एक बचपना वो खत्म हो रहा है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, एंड ये हो सकता है आपके फ्रेंड आपको रिकनसाइल कराए, आपको मिलाए, ठीक है, एंड आपने अपने पर्सन को जो भी बुरी बातें बोली थी, आपके पर्सन ने जो भी बुरी बातें आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े हुए थे वो सॉल्व हो रहा है, एंड ये रिलेशनशिप प्रोग्रेस होकर मैरिज तक जा रहा है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। हारमोनी 10 of Cups, काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी इस पर्सन के साथ, एंड ये पर्सन आपके साथ एक फैमिली बनाना चाह रहे हैं, ठीक है ना, अपनी लाइफ को आपके साथ कंप्लीट करना चाह रहे हैं, चाह रहे कि मेरी जो हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में काफ़ी पास्ट में रिलेशनशिप रही हो या आपके रहे हो, ठीक है, बट आप दोनों फाइनली एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, क्योंकि आपको फील होता है कि यही वो पर्सन है जिससे मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ सकती है, जिसके साथ मैं एक फैमिली स्टार्ट कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है दोस्तों। सो चलिए और कार्ड्स ले एंड पता लगाते, वी विल टेक सम मोर कार्ड्स एंड आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे मैरिज के बाद, हाउ विल योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू आफ्टर मैरिज। ट्रस्ट, ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में एक ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगा, ठीक है, आप इस पर्सन पे ट्रस्ट करोगे एंड ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करेंगे, ठीक है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड यहाँ पर 10 of Cups का भी कार्ड है, तो ये पर्सन और आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी होगी, कपल आप दोनों का बहुत अच्छा होगा, एंड आप दोनों मिलके इस फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज लोगे, ठीक है, आप मेल फीमेल कोई भी हो दोस्तों, इस रीडिंग को देख रहे हो, जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, देख सकते हो मेल फीमेल कोई भी हो। सो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आया है ट्रुथ का कार्ड, ओके, सो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप, एक तो ये कि आप दोनों के बीच में पहले कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगी कि लड़ाई झगड़े हो गए हैं, ठीक है, एंड आप दोनों को फिर से सच्चाई पता चली एंड आपका रिलेशनशिप का रिबर्थ हुआ, ठीक है, हर्ट हुए थे, 10 of Swords का कार्ड है, काफ़ी टेंशन हुई थी आप दोनों के बीच में, बट बाद में आपके बीच में ट्रुथ पता चली, ट्रस्ट हुआ, आप दोनों ने एक दूसरे को सच्चाई बताई, ये चीज़ है, एंड आपकी रिलेशनशिप में ट्रस्ट और ट्रुथ होगा, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के सामने सच्चाई ही रखते हो, झूठ नहीं बोलते हो, या फिर जो भी बुरा अच्छा हो एक दूसरे के मुँह पर बोलते हो, इस वजह से आपकी फ्यूचर स्पाउस और आपकी मैरिड लाइफ में ट्रस्ट और ट्रुथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है, ये पर्सन आप पे ट्रस्ट करेंगे एंड आप भी इन पर ट्रस्ट करोगे, आप दोनों एक दूसरे को सारी सच्चाइयाँ बताओगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। वाओ, सपोर्ट, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे एंड आपकी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगे, ठीक है, मुझे सपोर्ट का यहाँ पे कार्ड है, पूरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, ठीक है, एंड बहुत सारे लोगों के लिए ये मैरिज है ना आपकी फ्रेंड की सपोर्ट से होगी, ये भी वाइब्स मुझे आ रही है, ठीक है, आपके फ्रेंड्स आपको मिलवाए या आपकी रिकन्सिलेशन में आपकी हेल्प करवाए, सपोर्ट, ठीक है, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे एंड इस मैरिज को काफ़ी लोग सपोर्ट करेंगे, लाइक आपके फ्यूचर इन लॉज, आपके फ्यूचर इन लॉज हेल्प करेंगे एंड आपकी फैमिली भी सपोर्ट करेगी, ठीक है, एंड आपके फ्यूचर स्पाउस भी सपोर्ट करेंगे आपकी फैमिली को, सपोर्ट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, इस मैरिज को बनाए रखने के लिए काफ़ी सपोर्ट होगा, बहुत सारे लोगों का वेटिंग, सो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, एंड ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, अलोननेस, अकेलापन है एंड देन वेटिंग का कार्ड है, ठीक है, एंड ये पर्सन आपका काफ़ी वेट करेंगे, ठीक है, मैरिज के बाद भी यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, आप कहीं चले गए हो, ट्रैवल कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, तो ये पर्सन आपका काफ़ी वेट करेंगे, ठीक है, एक इनर फीलिंग्स मुझे दिख रही है, एक इनकम्प्लीट वाइब्स, लाइक ये पर्सन आपके बिन अपने आप को अकेलापन महसूस करेंगे, इसलिए हमेशा आपका वेट करेंगे, आपके कॉल्स का, आपके मैसेजेस का, आपके मिलने का। चलिए दोस्तों, और भी कार्ड लेते हैं, पता लगाते हैं क्या एडिशनल मैसेजेस आ रहे हैं, आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे। सैजिटेरियस, ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग सैजिटेरियस हो सकते हैं। दिस एनर्जी इम्ब्यूज पावर, सुपीरियर कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज्म विथ फेथ, गुड फॉर्चून एंड अथॉरिटी, ठीक है,
तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपके लिए एक तो गुड फॉर्च्यून गुड लक लेके आएंगे, ठीक है। दूसरा, ये पर्सन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंथुजियास्टिक, काफ़ी एक पैशन होगा, ठीक है, अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रहा है। एंड ये पर्सन एक बैरियर प्रोटेक्टर की तरह होंगे, आपको प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड इस पर्सन में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस भी होगा, आपको लेके इंथुजियास्टिक होंगे। एंड हो सकता है ये पर्सन कोई पावरफुल या अथॉरिटेटिव पोजिशन पर बैठे हो, जिसकी वजह से आपको भी सोसाइटी में एक नेम फेम या एक पोजिशन आपको फील होगा कि मेरी जो पोजीशन है, मेरा लाइफ जो है एक सिक्योर हो गया इस पर्सन के साथ, क्योंकि ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे। आई कैन फील दैट, ठीक है। डिफेंस जॉब में हो सकते हैं ये पर्सन, लाइक पुलिस मैन हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, मुझे ये चीज़ फील हो रही है। जस्टिस के फील्ड में हो सकते हैं, लाइक जज हो, ठीक है, लाइक लॉयर हो, ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे। द थर्ड हाउस, योर पोटेंशियल टू लर्न समथिंग एंड योर लोकल नेबरहुड, ठीक है। ये पर्सन एक ऐसे फैमिली से होंगे या फिर इनका ऐसा बैकग्राउंड होगा जहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई की होगी, ठीक है, इनका नॉलेज अच्छा होगा, इनकी हो सकता है ये IAS IPS हो, काफ़ी पढ़ाई लिखाई करके रखी हो, कॉलेज में प्रोफेसर हो सकते हैं, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन आपके नेबरहुड भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। द सन, वाओ, योर इमॉर्टल स्पिरिट पर्पस एंड डेस्टिनी इज इन्वॉल्व। सो यहाँ पे पर्पस एंड डेस्टिनी है, एंड दूसरा है गुड फॉर्चून, ठीक है। तो पहली बात तो ये पर्सन आपकी डेस्टिनी में है एंड ये आपको मिलके ही रहेंगे, ठीक है। अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो विद द वेटिंग कार्ड, तो ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर होंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपके लिए काफ़ी सक्सेस एंड हेल्प, एंड एक हेल्प कह रही हो, ठीक है, लाइक आपकी हेल्प करेंगे ये पर्सन हर चीज़ में, सपोर्ट का कार्ड है, ठीक है। अगर आप आगे पढ़ना लिखना चाहते हो, मैरिज के बाद आप करियर परसू करना चाहते हो, तो ये पर्सन खुले दिल से उस चीज़ का सपोर्ट करेंगे। ये पर्सन आपकी लाइफ में एज अ फ्रेंड की तरह, ठीक है, आपको एडवाइस भी करेंगे एंड सपोर्ट भी करेंगे, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। चलिए और कार्ड्स लेते हैं एंड मैसेज देखते हैं क्या बता रहे हैं। लियो हो सकते हैं ये पर्सन, फायर साइन मुझे दिख रहा है, काफ़ी पैशनेट, लाइफ में काफ़ी एक्साइटमेंट लेके चलना, बिल्कुल बोरियत महसूस, अगर कोई डे ऐसा है जहाँ पे ये बोरिंग फील करें तो ये बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, राइड पे जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है आपको लेके। आप अगर काफ़ी सिंपल लाइफ जीना चाहते हो, पसंद करते हो, तो ये आपकी लाइफ में धूम धड़ाका पार्टी करना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। बहुत सारे कार्ड्स से, चलिए सारे ले लें। तो हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स कार्ड, द मजिशियन, द हर्मिट, द हायरोफंट एंड द डेथ, ठीक है। तो दोस्तों स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है ना, आप भी स्कॉर्पियो हो, वर्गो, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ये पर्सन में बहुत ज़्यादा एनर्जी होगी, लाइक हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे लाइफ में, ठीक है, जिम जाते हो, दौड़ते हो, रनर हो सकते हैं, स्पोर्ट्स में हो सकते हैं ये पर्सन, एंड अपने रिलेशनशिप में भी इसी तरह से आपसे जब मिलेंगे आपसे फटाक से आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। एंड मुझे दोस्तों ये भी फील हो रही है कि पास्ट में इनके काफ़ी रिलेशनशिप रहे हो, ठीक है, बट कोई सक्सेसफुल नहीं रहा होगा, एंड आपको लेके ये काफ़ी शांति महसूस करते होंगे आपके साथ, इन्हें एक स्टेबिलिटी मिलती होगी दिमाग की शांति, ठीक है, आपके आपसे बात करने पर, एंड इस वजह से ये पर्सन आपके बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। इनकी फैमिली भी आपको काफ़ी लाइक करेगी, ठीक है, इन लॉज आपको काफ़ी लाइक करेंगे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है। आपकी लाइफ में कोई चेंज आए तब ये पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, ठीक है। एंड एक नेगेटिव पैटर्न का एंड होता हुआ विद द डेथ कार्ड, इस पर्सन की लाइफ में एक नेगेटिव पैटर्न का एंड होगा, ठीक है, में हो सकते हैं लाइक आर्मी में हो सकते हैं, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे ये चीज़ फील हो रही है। लोग इनकी रिस्पेक्ट करते होंगे, एक हाई प्रोफाइल इनकी होगी, हाई प्रोफाइल की जॉब हो सकती है, ठीक है, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, ठीक है, वर्क के लिए लोग जानते हो, इनसे हेल्प लेने आते हो बहुत सारे लोग, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। गवर्नमेंट जॉब में भी ये पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी पढ़े लिखे होंगे, जो भी काम करते होंगे काफ़ी रिस्पेक्ट मिलती होगी इस पर्सन को। चलिए दोस्तों और कार्ड्स ले, पता लगाएं ये पर्सन आपको आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे ट्रीट करेंगे आपको मैरिज के बाद। फीलिंग अलोन, फाइव ऑफ पेंटेकल्स, अलोननेस का है यहाँ पे, एंड अपॉर्चुनिटी बेकन्स, फोर ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एकदम बिल्कुल सेम कार्ड है, लाइक एक मेल है
एंड यहाँ पे मून है, ठीक है, एक फीमेल है एंड यहाँ पे मून है नाइट, ठीक है। आप दोनों रात में अकेले बैठना, ठीक है, मून के पास, छत में, बैल्कनी में, कहीं भी, ठीक है, एंड खुले में बैठ के अपने इमोशंस एक्सचेंज करना, ये चीज़ दिख रहा है क्योंकि आपने काफ़ी अकेले टाइम बिताया, फीलिंग अलोन, ठीक है। आपने शायद अपनी स्टडी के लिए, अपने वर्क के लिए फैमिली से काफ़ी दूर रहे एंड आपने काफ़ी अपना लाइफ का टाइम, ठीक है, मैरिज से पहले अकेले बिताया, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बेकन्स है, ठीक है, लाइक आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी। आप दोनों इमोशनल एक्सचेंज करोगे, काफ़ी इमोशनल पर्सन हो सकते हो आप दोनों, ठीक है, इवन दो ये पर्सन काफ़ी हाई अथॉरिटी वाले होंगे, तेज बोलने वाले होंगे, ठीक है, बट आपको लेके काफ़ी इमोशनल एंड सेंसिटिव होंगे, ठीक है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। आपका कोई फार्म हाउस हो सकता है जहाँ पे आप दोनों जाके समय बिता सकते हो। आपके लिए मई इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों, मई में आपका बर्थडे आता हो या इस पर्सन का बर्थडे आता हो, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे। सो चलिए दोस्तों कुछ एडवाइस कार्ड लें एंड नहीं, उससे पहले हम और भी कार्ड्स लेके देखते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कैसे ट्रीट करेंगे एंड देन हम फिर एडवाइस कार्ड लेंगे। इनडिसीजन, द टेंपल पाथ, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आया इनडिसीजन का कार्ड, द टेंपल पाथ, फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल। सो आपके लाइफ में और इस पर्सन की लाइफ में जो भी पहले तो मुझे दिख रहा है इनडिसीजन, काफी ट्रांसफॉर्मेशन आई है आपके लाइफ में, ठीक है। मैरिज से पहले आप काफ़ी कंफ्यूज रहते थे, इंडिसीजन था आपके लाइफ में एंड आप शादी के बाद भी जो भी आपके लाइफ में इंडिसीजन होगा ये पर्सन आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। विद द टेंपल पाथ कार्ड, ठीक है, मुझे यहाँ पे अगेन ये बारी बारी है कि आप दोनों का कोई फार्म हाउस होगा या आप लोग ऐसी जगह पे मिल सकते हो जहाँ पे आप मंदिर विजिट करने गए हो तब वहाँ पे मिल सकते हो एंड मैरिज के बाद भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा मंदिर विजिट करोगे या जो भी आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू आपके जो भी पिलग्रिमेज होते हैं आप लोग वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विजिट करोगे। दिसंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, मैं आपको बताया इम्पॉर्टेंट हो सकता है। फोर्थ चक्र आर्कएंजल रफेल का कार्ड है, आर्कएंजल रफेल आपकी मैरिज को ब्लेस करेंगे एंड आप लोगों का हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होगा एंड हार्ट की हीलिंग भी होगी, ठीक है। इमोशनल एक्सचेंज काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़, आपके लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़, बहुत सारे दरवाजे जो बंद थे वो मैरिज के बाद खुल जाएंगे, ठीक है। आपकी एज हो सकता है 24 हो, ठीक है, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, या फिर 2 साल में आप इस पर्सन से मिल सकते हैं, 2 साल आपसे बड़े हो सकते हैं ये पर्सन एंड बहुत कुछ अपने लाइफ में नया कुछ करना ये पर्सन जानते होंगे। एक जगह बैठ के ये पर्सन रह नहीं सकते एंड इस वजह से इस पर्सन को अपने वर्क के लिए रिस्पेक्ट मिलता है, मुझे यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है। क्या एडवाइस देना चाह रहे हैं आपको एंजल्स इस रिलेशनशिप के लिए, आपकी मैरिज के लिए, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, वैनिंग मून, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना, जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको ना अपने पास्ट की नेगेटिविटी, पास्ट का कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप हो उसको रिलीज़ करना होगा एंड देन तब ये पर्सन नए होंगे आपके लाइफ में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी रिलीज़ करनी होगी, पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, कोई भी पास्ट की एक नेगेटिव साइकिल होगी वो आपको रिलीज़ करना होगा, ठीक है, एंड देन तब ये पर्सन आपके लाइफ में एंटर करेंगे। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, ये आपको डिसाइड करना है कि आपके लाइफ में क्या रिलीज़ करना है आपको आगे प्रोग्रेस करने के लिए, ताकि आपके लाइफ में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ आ सके, ठीक है। आपने अपने दरवाजे खुद ही बंद करके रखे हैं, अगर ऐसा है तो आपको देखना है एंड प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। वाओ, देखिए व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, आपको क्या रिलीज़ करना है जो आपकी लाइफ को ब्लॉक कर रही है, दरवाजों को बंद कर रही है अपॉर्चुनिटीज़ के, आपको खुद देखना है एंड उसको खोलना है सो दैट कि आपको प्रॉस्पेरिटी मिले। टॉरस, न्यू मून इन टॉरस, ठीक है, आपके लिए इस मैरिज में, ये इस मैरिज में काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी है, आपको बता रही हूँ, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी, ये पर्सन आपको सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, वाओ। सो दोस्तों आपको एंजल्स क्लियरली बता रहे हैं, मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो एक साइकिल एंड होगा पुराना, तब जाके कुछ नया स्टार्ट होगा। अगर आप कहीं स्टक हो, ठीक है, तो आप स्टक हो, ठीक है, एंड आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हो, आपकी कोई इनसिक्योरिटीज़ है, लाइक आप सोचते हो मैं आगे बढ़ूंगा,
सोचते हो दोस्तों कि मेरी लाइफ में आगे बढ़ने पे क्या मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी है कि नहीं है, तो आपको बताया जा रहा है अ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग। आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा एंड वो प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा। उससे पहले तो आपको कुछ ना कुछ तो रिलीज़ करना है, वो आप जानते हो बेहतर कि आपको क्या रिलीज़ करना है। ओके, वो नेगेटिव साइकिल हो सकता है, नेगेटिव पैटर्न होता है, कोई डिसीज़न लेना हो, ठीक है, वो आप बेहतर जानते हो, बट आपको रिलीज़ करना है। द एंड, ओ माई गॉड, अगेन एंड, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। वाओ, मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कुछ ना कुछ तो एंड होगा, न्यू स्टार्ट होगा। एंड देखिए कन्फर्मेशन कैसे आ रहे हैं, डेथ, एक कुछ साइकिल एंड होगा, ठीक है, ये पर्सन उस में आपकी हेल्प कर सकते हैं, या जब ये एंड हो तब आपकी अलोननेस खत्म होगी, एंड होगा वो टफ साइकिल। आपकी लाइफ में शायद बहुत टफ साइकिल चल रहा हो, कुछ स्ट्रगल चल रहा हो जो बहुत समय से चल रहा है, ठीक है, एंड आपको लगता है कि आपकी लाइफ में सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वो रास्ता बिल्कुल खुलेगा विथ योर पार्टनर, विथ योर फ्यूचर स्पाउस, उसमें आपकी हेल्प करेंगे आपके टफ साइकिल को ख़त्म करने में, ठीक है, आपकी अलोननेस को ख़त्म करने में। एंड आपके लिए एक नया स्टार्ट होगा जिसमें कि आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी मिलेगी दोस्तों, ठीक है। आप टॉरस हो सकते हैं, आपके पर्सन टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे मुझे ये चीज़ें दिख रही है, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं। एंड यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक है, लक इज़ ऑन योर साइड। वाओ, सो ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा। न्यू मून इन सैजिटेरियस, आप सैजिटेरियस हो सकते हैं, सैजिटेरियस आई थिंक पहले भी आया, यस, यहाँ भी आया सैजिटेरियस, इफ यू कैन सी दैट, एंड यहाँ भी है न्यू मून इन सैजिटेरियस, सो सैजिटेरियस यहाँ पे स्ट्रांग है, ठीक है, आपके साइड में आपका लक है, मैरिज में आपकी लक आपकी साथ देगी एंड आपको बहुत कुछ मिलेगा इस मैरिज से, बहुत 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 अच्छा है, लक इज़ ऑन योर साइड। ये बॉटम ऑफ द डेक था। सो पाइल नंबर टू, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप सो रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट हुई हो। अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताने की देरी ना करें, चैनल पे नए दोस्तों सब्सक्राइब कर दे, सब्सक्रिप्शन इज टोटली फ्री, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड अपनी इस फैमिली विनीता टैरो गाइडेंस की फैमिली से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट रीडिंग में, बाय, बेस्ट ऑफ लक, ध्यान रखें अपना, खुश रहें, पॉजिटिव रहें, बाय, बेस्ट ऑफ लक।